हम लोग यहाँ पे कुछ डिफरेंट ट्राई करने के लिए आए हैं, जो इससे पहले आप लोगों ने वीडियोस में बहुत रेयर देखा होगा, वो सी फूड के हवाले से हो। सी फूड में क्या चीज़ आपके पास ऐसी है जो हम ट्राई कर सकते हैं? यार, हम प्रेडोमिनेंटली जो है ना, हमारा जो स्पेशलिटी है वो लॉबस्टर है। अच्छा। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे जितने भी जो इंग्रेडिएंट्स है वो सब लोकल हो गए। प्रीवियसली हमारे पास सिर्फ सैमन था जो इम्पोर्टेड था, बट रिसेंटली बैन की वजह से हमने वो भी खत्म किया हुआ है। आज अगर कुछ डिफरेंट ट्राई करने जा रहा है, मेरे ख्याल से यार आप ऑक्टोपस ट्राई कर लीजिए। ऑक्टोपस इनका जो यहाँ पे है वो उसको ट्राई करते हैं और आपको उसका रिव्यू देते हैं चल के। तो फिर आओ मेरे नाल। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो स्पेशलिटी है ऑक्टोपस की, ये रॉ फॉर्म में इस टाइम पे मेरे पास है और मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कुकिंग प्रोसेस का क्या है। ये ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस को हम स्टार्ट लेते हैं बिकॉज इसके अंदर हमारे इंसानों की तरह हर चीज़ होती है। इसको तरीके से हम लोग यहाँ से कट कर देंगे बिकॉज इसके अंदर जो ये हेड भी इसका यूज़ किया जाता है, ई टेबल होता है, ये पूरा ई टेबल होता है। जस्ट इसकी थोड़ी सी जो अंदर के जो औजार है वो हमने निकालने हैं। इसका निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, यहाँ से कट करके इस फॉर्म में इसके गुर्दे वगैरह, झील वगैरह चीज़ें सारी निकलती हैं। ये बिल्कुल आज प्रॉपर तरीके से हम आपकी इसकी क्लीनिंग करेंगे, पूरे इसको प्रोसेस से हम गुजारेंगे। इसको क्लीन करने से ये हो जाएगा कि ये आराम से इजीली ये पूरा इसका हेड क्लियर हो चुका है, ये पूरा क्लीन है। ये इसकी वेस्टेज वगैरह जो निकलती हैं, इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है हमारे पास। और यहाँ से इसको काट देंगे बिकॉज ये थोड़ा सा हार्ड होता है, हार्ड पीस होता है, देख सकते हैं ये आप इसके लंग्स वगैरह चीज़ें। ठीक है, जस्ट आखिरी का एक इसको लाइक दिस तरह करके ये एक चीज़ दिखाऊँ, ये बस इसको निकाल देनी है इसकी। ठीक है, अब ये हमारा ऑक्टोपस बिल्कुल रेडी है। अब इसको ब्लांच करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि मैंने अभी नीचे ऑक्टोपस की कटिंग कर दी है, ऑक्टोपस हमारे पास रखा हुआ है और पानी हमने बॉइलिंग के लिए रख दिया है और इसके अंदर हमने मेरी पो डाला है। थोड़ा सा मेरी पो ऐड करेंगे हम, लीक, सेलरी, अनियन, कैरेट, गार्लिक एंड लेमन वेज। ये मेरी पो इसके अंदर मैं डाल चुका हूँ। देन उसके बाद इसके अंदर जाएगा हमारा ऑक्टोपस। इसको हम अभी डालेंगे ब्लांचिंग के लिए, कुछ टाइम ये ब्लांच में रहेगा, देन उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने इसके अंदर डाला था, ये हमारा ब्लांच हो चुका है। अब हम इसको निकालने की बारी आ चुकी है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये श्रिंक भी हो गया, कितना बड़ा ऑक्टोपस था और कितना सा रह गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा मेरीनेट है, मेरीनेट के बाद ये ग्रिल हो जाएगा। इसको भी हम कट कर देंगे। पोर्शन वाले इससे हम बनाते हैं इसका, ये आप देख सकते हैं ये इस तरह है, ये हमारा ये तैयार है। ये हमारा हेड जो हमने इसको कट किया था, इसको हम किस तरीके से करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। बिकॉज ये जो इसका ब्लैक है, ये कुक होने के बाद ही इसको निकाला जाता है, रिमूव करते हैं। ये मेरी सीक्रेट मैरिनेशन। इसको बस कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं, 4 से 5 मिनट इसको मैरिनेट में छोड़ देना है। यही इसकी मैरिनेशन है, यही इसके ऊपर हम ग्रिल पे करते रहेंगे। इसको एक खूबसूरत चार्ट, ऑक्टोपस नाम है इसका, चार्ट मीन इसका ग्रिल करना। इसको हम ग्रिल करेंगे, इसका एक अपना स्मोक आ जाएगा ग्रिल का। साथ ही साथ इसके लिए हम ये लेमन है, ये लेमन भी ग्रिल कर रहे हैं। इसके साथ ग्रिल लेमन का एक अपना ही टेस्ट है, स्क्वीज करके इसको डाल सकते हैं हम। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, अभी हम इसकी प्लेटिंग कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि आपको हमारा चार्ड ऑक्टोपस रेडी हो चुका है इस टाइम पर। ये इसका हेड है, दिस इज इसके साथ ग्रिल लेमन, टॉप पे हल्का सा गार्निश के तौर पे ऑयल लाइक शाइनिंग के लिए। तो जी ये आ गया है हमारा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को आप लोगों ने समुंदर में वैसे तैरते हुए बहुत दफ़ा देखा होगा, आज टेबल पे इसको हम पकड़ के ले आए हैं और इसको आज हम आपको खा कर दिखाएंगे और आपको बताते हैं कि जी इसका टेस्ट कैसा है। डिफरेंट डिफरेंट लोगों की इसके बारे में डिफरेंट ओपिनियन है भाई, तो इसको हम अभी ट्राई करते हैं और ट्राई करके आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। तो अभी हम इसको पकड़ते हैं, ज़रा ये बहुत फैला हुआ है इसके ऊपर, ज़रा हम इसको कट करके ज़रा हम प्लेट में लेके आते हैं इसको। ये है इसकी एक टांग, ये हमें निकाल दी। अच्छा, इसको आप अगर गौर से देखेंगे ना, यहाँ से ये बिल्कुल ऐसा फील देखने में कर रहा है जैसे कि चिकन होता है ना, चिकन की तरह का जो है ना, ये फील दे रहा है।
अभी इसको हम प्लेट में रखते हैं और प्लेट में रख के इसका बताता हूँ कि ये है कैसा जी। ये हमने ले लिया दोनों से जो है ना एक बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है, लेकिन दोनों को अगर आप कहीं ना कहीं चिकन का और फिश का जो है ना मिल के वो टेस्ट आ रहा है इसका, और है ये मज़े का भाई। अगर किसी को भाई कोई डिफरेंट टेस्ट, कोई यूनिक टेस्ट एक्सपीरियंस करना है तो भाई ये जगह है उन लोगों के लिए। ना कि सिर्फ यहाँ लॉबस्टर, इसके अलावा भी यहाँ पे जितनी चीज़ें मिलती हैं वो सारी बिल्कुल आपको कराची में ऐसी हैं कि जो बहुत यूनिक हैं, बहुत ही डिफरेंट हैं। अभी हमने आपको ये ट्राई करके दिखा दिया है, अब जो हम इसको फिनिश करेंगे। इस वीडियो को भी यहाँ पे हम एंड करते हैं। इस वीडियो को हमारे इस पेज से मैक्सिमम शेयर कीजिएगा उन लोगों के लिए जो डिफरेंट खाना चाहते हैं, कुछ यूनिक ट्राई करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर रेस्टोरेंट पे आए। डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस वगैरह हम आपको दे देंगे। मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए बाबर डार को, अपना ख्याल रखें जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।